शिला यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी कांवड़ यात्रा के चलते रादौर के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने 5 कांवड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें उन्हें बहुत सी गंभीर चोटें आई हैं और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। और इसी गुस्से के चलते आपको बताना चाहेंगे, मौके पर कांवड़ियों ने कार को पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद मौके पर कार में आग लगा दी। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, गुस्साए कांवड़ियों ने लगाई गाड़ी में आग। कांवड़ यात्रा के दौरान रादौर के SK रोड पर गाँव ढोलरा में एक कार चालक ने तेज गति से चलते हुए 5 कांवड़ियों को कुचल डाला। कार की टक्कर लगने से 3 कांवड़िये घायल हो गए जबकि 2 को आंशिक रूप से चोटें आई है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने कार को सड़क किनारे पलट दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क किनारे कार पलटकर उसमें मौके पर ही आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझाया। मौके पर आप देख सकते हैं जिला पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और हालातों पर काबू पाने के लिए अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिला यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कांवड़ यात्रा के चलते तेज रफ्तार गाड़ी ने रादौर के पास 5 कांवड़ियों को बहरहमी के साथ कुचल दिया, जिसमें से 3 को आंशिक रूप से चोटें लगी हैं। सभी के सभी इस समय घायल हैं। मौके पर आप देख सकते हैं DSP रजत गुड़िया यहां पर आगे की कार्यवाही करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कांवड़िये किस तरह से गुस्से में आकर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। मौके पर आपको तस्वीरें दिखा रही हैं चैनल के माध्यम से। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, कांवड़ यात्रा के शुरू होने के कारण रादौर के पास जब कांवड़िये गुजरते हैं तो तेज़ रफ्तार गाड़ी कांवड़ियों को कुचल कर चली जाती है, जिसमें से 3 को आंशिक रूप से बहुत सी चोटें आई हैं लेकिन सभी के सभी अभी घायल हैं। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने कार को सड़क के किनारे पलट दिया और साथ ही गाड़ी को पलट कर उसमें आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर कार में लगी आग को बुझाया। मौके पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। जिला पुलिस प्रशासन हालातों पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करने में जुटी है लेकिन कांवड़िये इस समय गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मौके पर DSP आप देख सकते हैं सुभाष जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आगे के लिए DSP रजत गुलिया से भी बातचीत करेंगे कि और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। अपील आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। इसमें 4 लोगों को इंजरी हुई थी, उसके बाद रोड जाम हुआ था। सिचुएशन कंट्रोल में है, रोड जाम भी खुल गया है और जिनको जो इंजर्ड हैं वो भी सारे ठीक हैं। सभी बड़े हुए जो कांवड़िये किस बात को लेकर उतरे हुए थे, वो एक्सीडेंट को लेकर ही उगरते, कुछ भ्रम फैला दिया गया था लेकिन अब सारी सिचुएशन नहीं है। सर कोई डेथ की नहीं, ऐसा कुछ वही भ्रम था, वो ऐसी कुछ कोई जो जिनको चोट लगी सर उनकी स्थिति क्या? तो 4 ठीक है।